मुझे अधिकारियों ने बताया है, मीडिया से भी रिपोर्ट मिली है, लेकिन अभी लिखित आदेश मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और जो जानकारी मिली है उसमें ऐसा लग रहा है कि माननीय हाईकोर्ट ने बहुत नाराजगी व्यक्त की है हड़ताल करने वालों के ऊपर। हड़ताल नहीं होनी चाहिए। दिसंबर में ही माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि हड़ताल कोई रास्ता नहीं होता है। बातचीत के माध्यम से, अन्य माध्यमों से आप अपनी बातें कहिए। और आज जो खबर मिली है कि माननीय उच्च न्यायालय ने उसी बात को लेते हुए जो हड़ताल हुई है उसके खिलाफ काफ़ी नाराजगी व्यक्त की है। यह भी एक संदेश माननीय उच्च न्यायालय का है। यह भी मैं चाहूँगा कि आंदोलनकारी जो नेता है वो इसका भी संज्ञान लें। हमारी बातें तो हो ही रही हैं, हम तो कही रहे हैं उनसे कि आंदोलन खत्म करिए, बार बार कह रहे हैं, मैं साथ में मीटिंग करके कह रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से कह रहे हैं, व्यक्तिगत संदेश भेज करके कह रहे हैं। हर तरह से मैंने उनसे कहा है और समझाने की कोशिश की है कि आंदोलन ही एकमात्र रास्ता नहीं है, बातचीत ही एक रास्ता है। आज माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा है तो उनकी आदेश का भी कम से कम सम्मान होना ही चाहिए। आप लगातार भी कर रहे हैं जी, क्या संदेश जा रहे हैं? हम निरीक्षण इसलिए कर रहे हैं कि विद्युत व्यवस्था होती है, विद्युत की जो सेवा होती है हर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई एक सेवा है। आज का जीवन बिजली के बिना चल नहीं पाता है और हड़ताल के कारण जनता को जो तकलीफ पड़ रही है उस तकलीफ के निवारण के लिए, उस तकलीफ को कम करने के लिए हम जितना भी प्रयास कर सके उतना आवश्यक है। हमारी 1912 की ये जो टेक्नोलॉजी आधारित हमने जो व्यवस्था खड़ी की है, पिछली गर्मी का मुझे याद है पहले यहाँ 60 सीटें हुआ करती थी, हमने उसे बढ़ा करके 90 कराया है। आने वाली गर्मी में 120 तक की व्यवस्था कराई है। गर्मी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें 120 तक हम लोग सीटें ले जाएंगे। ये बड़ी ही कारगर व्यवस्था है। राज्य का कोई भी नागरिक 1912 पर फोन करके अपनी बिजली संबंधी समस्या को यहाँ पहुँचाता है और फिर यहाँ से संबंधित क्षेत्र में संबंधित अधिकारी के पास वो समस्या को भेजा जाता है। काफ़ी कारगर व्यवस्था है। मैं यहाँ चौथी पांचवी बार आया हूँ देखने के लिए। जब भी ऐसी कोई चुनौतीपूर्ण समय आता है तो मैं यहाँ आता हूँ बच्चों को इनकरेज करने के लिए। तो आज का आना हड़ताल के विशेष संदर्भ में था कि किन जिलों से किस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं और उन शिकायतों के निस्तारण के लिए, उनको लोगों को राहत देने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मुझे संतोष हुआ आकर के यहाँ जो कार्य हो रहा है, यहाँ बहुत ही सुनियोजित ढंग से काम होता है वो देखकर मुझे संतोष। तो लगता है कि क्या हड़ताल बहुत जल्द खत्म हो जाएगी? मेरी तो यही अपील है कि हड़ताल खत्म की जाए, क्योंकि आप लगातार नेताओं से मिल रहे हैं। मेरी यही अपील है कि हड़ताल खत्म हो जाए और जो भी बातें हैं उनको हम दूसरे ढंग से हम सुलझा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।